नमस्कार, मैं हूं हिमांशु शर्मा और आप देख रहे हैं यंग बाइट्स। आज पहला दिन है 7 दिनों के कोरोना कर्फ्यू का और हम मौजूद हैं कटरा के फवारा चौक पे। और आप देख सकते हैं कि पुलिस की गश्त यहां पे बराबर लगी हुई है। मैं कैमरामैन को बोलूंगा, आपको दिखाएंगे। ये नाका है, मेन चौक पे नाका रखा गया है और पुलिस आने जाने वालों को पूछ रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं। अभी एक गाड़ी यहाँ पर आई है, आप देख सकते हैं कि पुलिस उनको पूछ रही है। और पूछना ज़रूरी भी है क्योंकि ये कर्फ्यू आज एसडीएम ने, कटरा के एसडीएम ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 7 दिन कर्फ्यू के बड़े सख्त रहने वाले हैं क्योंकि इस चेन को तोड़ना है, कोरोना वायरस की चेन को तोड़ना है। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि बहुत ही ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें। ऐसा ना हो कि आप सैलड खा रहे हैं और नींबू नहीं है तो नींबू लेने आप चल पड़े, क्योंकि आपकी जान जो है वो एक नींबू से कहीं ज़्यादा कीमती है। बिना नींबू के भी सैलड खाया जा सकता है। बात का इशारा यही है कि कम सुविधाओं से भी ये 7 दिन निकल सकते हैं, लेकिन चेन तोड़ना कोरोना की बहुत ही ज़रूरी है। हम इस समय मुख्य बस स्टैंड पर हैं, फवारा चौक पर हैं। हमारे साथ इस समय आप देख सकते हैं कि कटरा के एसपी अमित भसीन साहब, एसएचओ सुनील शर्मा जी और तहसीलदार अनिल चारक जी खड़े हैं, मीडिया कर्मियों से बात कर रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि जहां पे 50 लोग शादी के लिए पहले अलाउड थे, अब उनकी घट के गणना 25 हो गई है। आप मामला समझ सकते हैं। आइए अमित भसीन साहब से बात करते हैं। अमित जी नमस्कार, स्वागत आपका यंग बाइट्स में। नमस्कार, जय माता दी जी। अमित जी, गाइडलाइंस जो हैं स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं और कल एक स्पेशल ऑर्डर आया कि ये जो कर्फ्यू है ये सख्त से सख्त होना चाहिए। और आज जब हमने कुछ नाकों की तस्वीरें ऑनलाइन डाली अपने अपने पोर्टल्स पे, तो उसमें दिखा कि पुलिस नहीं जाने दे रही है लोगों को जो बाहर से रियासी डिस्ट्रिक्ट में दाखिल होना चाहते हैं। कितना कर्फ्यू सख्त रहेगा आने वाले 7 दिनों में और आपके लोगों के लिए क्या हिदायत है? देखिए, जनरल जितनी भी एसओपी सरकार से कटरा में हमें आई हैं, आज हमारी टीम, हमारे तहसीलदार साहब, हमारे एसएचओ साहब, हम एक इकट्ठे निकले हैं ताकि जितना सख्ती से हम इम्प्लीमेंट करेंगे इस कर्फ्यू को, उतनी ही भलाई होगी सोसाइटी की और हम कीमती जानें बचा पाएंगे। मैं आपके माध्यम से लोगों को कह रहा हूं कि हम कॉन्टीन्यूज अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं, कॉन्टीन्यूज लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अपने घर में रहें। इस उपलक्ष में अगर हमें थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो सख्ती करने में भी हम परहेज नहीं करेंगे, क्योंकि ये मेरे माशरे की जान का सवाल है, मेरे लोगों की जानों का सवाल है। अगर हमें सख्ती से भी इम्प्लीमेंट करना पड़े तो हम इस कर्फ्यू को बिल्कुल इन आयरन हैंड से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सर, ये जो हेल्पलाइन नंबर्स एसडीएम ने, कटरा एसडीएम ने लॉन्च किए हैं, इनसे लोगों को क्या सेवा मिलने वाली है और क्या लोग टेस्टिंग करवाने के लिए, कोरोना के टेस्ट करवाने के लिए लोगों से घर से बाहर आ सकते हैं? देखिए, मैं जनरल एक आपसे बताऊंगा, किसी को मजबूरी है, किसी ने दवाई लेनी है, किसी ने कोई करियाने का सामान लेना है, टेस्टिंग करानी है, हॉस्पिटल जाना है, चेक करवाना है, उस चीज़ के लिए हम लोगों को हेल्प करेंगे, हम लोगों को असिस्ट करेंगे, हम लोगों की मदद करेंगे जो हेल्पलाइन से। बट अननेसेसरली जो भी आदमी हमें अननेसेसरली घूमता हुआ दिखा, उसके हम सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। और ये मेरी डायरेक्शंस मेरी सारी टीम को है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने भी इस पर एक स्ट्रांग कदम लिया है और हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। बाकी जिसको मजबूरी है, मजबूरी तो हम भी समझते हैं ना, बट मैंने देखा है कुछ लोगों को ऐसे ही शौक होता है अननेसेसरली घूमने का, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। धन्यवाद सर। आज सुबह जब हमारी पुलिस डिपार्टमेंट से बात हुई, तो उन्होंने कहा कि सुबह से ही कॉल्स आना शुरू हो गई जब चेक पोस्ट पे उन्हें रोका गया। और इनमें कुछ छोटे दुकानदार भी थे जो कटरा में दुकानदारी करते हैं। हमारा साफ संदेश रहेगा कि सिर्फ 5 या 6 दिन की बात है, अगर आप टाल सकें तो ये दुकानें खोलना इतना भी ज़रूरी नहीं। अगर आपके सलाद में नींबू नहीं है तो उस नींबू को खरीदने के लिए बाजार में मत आएं, क्योंकि आपकी जान जो है वो इस नींबू से ज़्यादा, कहीं ज़्यादा कीमती है। आप एसओपीज को फॉलो करें, कोरोना कर्फ्यू का ध्यान रखें और ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी है कि घर पे बैठें। घर पे बैठेंगे तो बच पाएंगे, अगर नहीं बैठेंगे
तो संक्रमित होने का खतरा बराबर बना रहेगा। बाकी पुलिस, कटरा एडमिनिस्ट्रेशन और उस एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ हेल्पलाइन नंबर्स जारी किए हैं जो आप ऑनलाइन पोर्टल्स पे देख सकते हैं। कोई भी आपको आवश्यकता है या जानकारी लेनी है उस नंबर्स पे कॉल करें और अपनी इशू सॉल्व करवाएं। आप बने रहिए यंग बाइट्स के साथ। मैं हूं हिमांशु शर्मा, कैमरामैन वरुण शर्मा के साथ।